देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार में पहले के मुकाबले कमी आई है, लेकिन अभी तक वायरस का खतरा नहीं टला है। दुनिया भर में वैज्ञानिक इस वायरस की काट ढूंढने के लिए वैक्सीन का निर्माण करने में जुटे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अगले सप्ताह की शुरुआत में भारत बायोटेक द्वारा तैयार की जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को संस्थान की आचार समिति के सामने पेश कर सकता है, ताकि अस्पताल के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू करने की अनुमति मिल सके। भारत बायोटेक को पिछले हफ्ते ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से उसके द्वारा तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण की अनुमति मिली। भारत भर में परीक्षण आयोजित किए जाने वाले केंद्रों में से एक एम्स दिल्ली भी है। एम्स दिल्ली के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने इस बात की पुष्टि की कि तीसरे चरण के परीक्षणों के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और कुछ दिनों के भीतर हम इसे मंजूरी के लिए संस्थान की आचार समिति को सौंप देंगे। डॉक्टर रॉय अस्पताल में कोवैक्सीन परीक्षणों के लिए मुख्य अन्वेषक भी हैं। किसी भी स्वीकृत स्थलों पर परीक्षण शुरू करने के लिए संस्थान को आचार समिति की मंजूरी लेना अनिवार्य है। ICMR जो देश का बायोमेडिकल रिसर्च रेगुलेटर है, उसके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आचार समिति के लिए आवश्यक है कि वो नैदानिक अनुसंधान की देखरेख करे और परीक्षण शुरू करने की अनुमति देने से पहले किसी भी स्वीकृत स्थल पर प्रस्ताव की गहन समीक्षा करे। एम्स के आचार संहिता में 15 सदस्य हैं और इससे आवश्यक मंजूरी मिलने के लगभग 10 से 14 दिन लगने की उम्मीद है। डॉक्टर रॉय ने बताया, प्रस्ताव कम से कम 200 से 300 पन्नों का होगा और इसके ठीक से गुजरने में समय लगता है। विचार ये है कि अंतराल की समीक्षा की जाए और देखा जाए कि सभी चिंताओं का इसमें समाधान हो। पहले और दूसरे चरण के परीक्षणों के लिए डॉक्टर रॉय की टीम ने 30 जून के समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और इसे 18 जुलाई को मंजूरी मिली। आचार संहिता में मंजूरी मिलते ही आगामी तीसरे चरण के परीक्षण के लिए एम्स 2000 से 5000 प्रतिभागियों को भर्ती करने की योजना बना रहे हैं। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।